पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के 600 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। इसमें लगभग 30,000 प्रति माह आपको वेतन देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टोटल आपके यहाँ पर 600 के करीबन पोस्ट निकाली गई हैं। ये आपके भारतीय सेना में जो है पोर्टलों की भर्ती निकाली गई है। तो उत्तराखंड में आर्मी द्वारा यहाँ पर जो पोर्टल कंपनी के तहत बताया गया कि धारचूला पिथौरागढ़ में यहाँ पर पोर्टल की निकाली गई है। इसमें आपका मेट ट्रेडमेंट के आपकी काम पोस्ट हैं और पोर्टल जो आपका सिपाही वाले हैं उसको आपके 500 पद हैं। टोटल मिला के 600 पदों की वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें उत्तराखंड के अभ्यर्थी भारत के, नेपाल या भूटान कोई भी हो सकता है। और इसके लिए 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 की इसकी गणना की जाएगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आपका यहाँ पर शारीरिक परीक्षा में 6.5 मिनट में आपका लगभग 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ होना चाहिए। और भर्ती आपकी होगी 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में। तो 24 से 27 के बीच में आपको होनी है, सुबह 6 बजे से होनी है। दस्तावेज आपको लेके जानी है, 100 प्रमाण जो आपकी लगभग 6 कॉपी लेके जानी है और आपका 6 कॉपियाँ जो वारिस के साथ आपको ले जानी है। और आपके यहाँ पर जो करेक्टर सर्टिफिकेट है 1 जनवरी 2023 के बाद का जारी होना चाहिए। और आपके पास यहाँ पर मूल जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, आधार कार्ड जो भी आपके पास आईडी है, और यहाँ पर पुलिस थाने की जो आपकी प्रमाण पत्र जाँच होती है वो भी लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है और अन्य जो भी आपके पास हैं सबको लेके जाना है। इसमें आप लोग देखिए दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी लगभग, अगर ट्रेडमेंट देखते हैं आप मेट के, इसमें 51 पोस्टें हैं। इसमें 18,000 मूल वेतन रहेगा और दैनिक भत्ता आपका 9,360 रुपये रहेगा। और आपके पास यहाँ पर फील्ड एरिया में आपका 2700 रुपये मिलेगा। कुल वेतन 30,660 रुपये मिलेगा, ठीक है। सेम सैलरी इसमें भी है, आप लोग देखते हैं बिल्कुल दोनों दोनों सेम है। इसके लिए आपका यहाँ पर बताया गया कि अवकाश जो है 6 दिन के निरंतर अवधि के बाद से यहाँ पर कार्य करने के बाद 7वें दिन आपको 1 दिन का अवकाश मिलेगा, यानी कि हफ्ते में एक छुट्टी आपके रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर कार्य अनुपस्थित होने पर जो है आपकी वेतन कटौती यहाँ पर की जाएगी। 7 दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर जो है व्यक्ति की जो सेवाएँ हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी और ये संविदा के आधार पर रखे जाएंगे। तो संविदा के आधार पर आपकी आर्मी रखा जाएगा, अल्पकाल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। परमानेंट नहीं होंगे ये, आप संविदा के तौर पर रखी जाएंगी। जो भी इन पर करना चाहता है सीधे सीधे आपको भर्ती में प्रतिभाग करना है डायरेक्टली, आपका 24 और 27 से आपको भर्ती में प्रतिभाग कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं।